आजम खान को हार्ट अटैक हुआ है, गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराए गए आजम खान। आजम खान, सपा नेता आजम खान, जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ के चलते गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हार्ट अटैक आया आजम खान को, गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं इस वक्त आजम खान। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं दिल्ली से। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान, जिन्हें हार्ट अटैक के बाद गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं अस्पताल में इस वक्त, जहां उनको उपचार दिया जा रहा है। और स्वाति पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाति, और क्या अपडेट आपके पास, क्या जानकारी आपके पास आजम खान से जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, देखिए सर, गंगाराम अस्पताल में आजम खान को भर्ती कराया गया है और डॉक्टरों की निगरानी में इस वक्त आजम खान आईसीयू में भर्ती हैं। और बताया गया कि मंगलवार को जो है डॉक्टरों ने जब जांच किया, चूंकि वो अस्पताल में भर्ती थे उस दौरान जांच किया गया, तो उन्हें हार्ट अटैक बताया गया। उनके दिल में एक नस में जो बताया गया कि ब्लॉकेज मिला है, जिसके बाद जब डॉक्टरों ने जांच किया सर गंगाराम अस्पताल में, तो बताया गया कि उन्हें हार्ट अटैक आया है, जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज मिला है। और इसके बाद अभी भी लगातार जो है वो आजम खान सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी डॉक्टरों की निगरानी में इस वक्त। लेकिन फिलहाल जो उनकी स्थिति इस वक्त बताई जा रही है, वो स्थिर बताई जा रही है आजम खान की स्थिति, लेकिन आईसीयू में इस वक्त आजम खान भर्ती हैं। बिल्कुल, क्या कहना है स्वाति डॉक्टर्स का, कब उन्हें ये शिकायत हुई थी और कब वो पहुंचे थे दिल्ली? देखिए आजम खान जो है कल भी दिल्ली में मौजूद थे और बताया गया कि मंगलवार को जो है यानी कल उन्हें जब वो सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे, उनकी तबीयत चूंकि ठीक नहीं थी और इसी वजह से उनके जो ब्लॉकेज में, एक नस के ब्लॉकेज में जो है वो शिकायत मिल रही थी, वहां दिक्कत हो रही थी, तकलीफ हो रही थी। उसके बाद ही जब जांच किया गया तो बताया गया कि हार्ट अटैक उन्हें आया है और हार्ट अटैक के दौरान उन्हें अस्पताल में इस वक्त भर्ती कराया गया है, आईसीयू में डॉक्टरों की निगरानी में है। लेकिन डॉक्टरों की तरफ से बयान निकलकर सामने आ रहा है, उसके मुताबिक कि आजम खान की स्थिति इस वक्त स्थिर बताई जा रही है। जी साथी, और अपडेट्स आपसे लेंगे, फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो इस वक्त समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, सीनियर नेता कह सकते हैं, आजम खान, जिन्हें हार्ट अटैक के बाद दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है और डॉक्टरों का एक पूरा पैनल आईसीयू में इस वक्त उनकी निगरानी कर रहा है और जांच में उनके एक दिल की एक नस में भी कुछ प्रॉब्लम थी, उनके हार्ट में एक स्टंट डाला गया था। फिलहाल आजम खान की जो स्थिति है अभी पूरी तरह से स्टेबल बताई जा रही है, लेकिन अभी भी वो भर्ती है अस्पताल में।